नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक क्रॉम्पटन कंपनी का हाई स्पीड सीलिंग फैन है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये पंखा बहुत पुराना है दोस्तों, ये पंखा इतना पुराना है 1984 बना हुआ पंखा है ये, और अभी तक इसका वायरिंग भी कंपनी का ही है, और उसके जो आप देख पा रहे हैं लीड भी कंपनी का ही है। क्या इसमें क्या हुआ है, इसका शॉर्टिंग कट गया, देखिए एकदम भयंकर हाल में है ये, इसको पंच करके आप चला नहीं सकते, इसलिए मैं इसको शॉर्टिंग बदली करने वाला हूँ। आप देखिए ये पूरे बॉडी को रगड़ा है इसने, हमारा ये रहता हमारा रिंग रोटर इसमें डायरेक्ट फिक्स है, इसके ऊपर रगड़ गया है, पंखा चलता है जाम रहता है, ऐसा होता है ये। और दोस्तों मैं इसको शॉर्टिंग डालने वाला हूँ, शॉर्टिंग डालते समय मैं इसे प्रेस मशीन का उपयोग नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट ठोक के डालने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे मित्र हैं उनके पास प्रेस मशीन नहीं है, तो उनका कहना था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाएं और जिसमें आप प्रेस मशीन का उपयोग न करें, आप ठोक के दिखाएं कैसे डालेंगे। दोस्तों जब भी आपको डालना हो शॉर्टिंग, तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर शॉर्टिंग डालना है आपको, अगर आपको ठोकने का है तो पहले आप पेपर चेक करें कि आपका पेपर कैसा है, अगर पेपर ख़राब है, पेपर कड़क है, तो आप कभी ठोके ना, अगर ठोकेंगे तो वायरिंग ख़राब हो जाएगा, इसलिए पहले चेक कर लें कि आपका वायरिंग ठीक ठाक है, पेपर सही है। अगर आपको लगता है पेपर थोड़ा कड़क है तो इसको पहले वार्निश कर लें। लेकिन दोस्तों हमारा पेपर एकदम ठीक दिख रहा है मेरे को, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है, वैसे अभी ठोकूंगा। ठोकते समय एक बात को ध्यान रखने का है, एक फटका मारेंगे आप, फटका मारते समय ध्यान रखें पेपर गिर रहा है क्या, अगर पेपर गिर रहा है तो ना ठोकें, फिर रुक जाए। और दोस्तों शॉर्टिंग डालना है अपने को, तो उसके लिए लीड वायर जो है ये निकालना पड़ेगा। लीड वायर निकालते समय कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका लीड वायर टूट भी सकता है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही, तो आराम से इसको इस तरह सरकाएं और कोशिश करें निकल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं निकला तो उसकी चिंता ना करें, हम लीड बदल देंगे। ये देखिए इस तरह करना है आपको, ये देखिए इस तरह से एक हाथ से खींचे, एक हाथ से दबाएं, इससे क्या होता है एकदम प्यास निकल जाएगा, ये इससे आप लीड वायर को अंदर घुसा दें। ये देखिए मैं खींच रहा हूँ, एक हाथ दबा रहा हूँ, देखिए एकदम सिंपल तरीका है ये, इसमें कोई भी मगजमारी नहीं है। देखिए ये देखिए निकल गया, इस दोस्तों देखिए अभी आपको इसे ठोकने का है, जब ठोकेंगे आप तो ऐसा कोई सामान हो जो कि एकदम इसके माप का हो, यानी आपके शॉर्टिंग को कवर कर रहा हो, एकदम बड़ा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आप ठोकेंगे तो हमारा स्टेटर बैंड हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखें कि आप जिस पर रख के ठोक रहे हो एकदम साइज का हो। दोस्तों मेरे पास रिक्शे का कप है, अगर आप रिक्शे कप नहीं है तो आप चाहें कोई पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, इसे ख़राब हो गया, ये देखिए आप चाहें तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसका उपयोग कर लेता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास ये ना हो, ये देखिए, लेकिन अभी देखिए आपका एक टेढ़ा क्रॉस है, क्रॉस नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, क्योंकि क्या है आप इस ठोकेंगे आपको समझेगा नहीं कि आपका हथौड़ी कैसे पड़ रहा है, बैंड पड़ देखिए तो सीधा नहीं है, लेकिन अगर आपको ठोकना है इसको तो एकदम इस तरह देखिए, इधर बैंड नहीं होती, सीधा है, सीधा है तो ठोक सकते इसके ऊपर, हमारा बैंड है तो इसके मुझे इसके रखना ठोकना पड़ेगा। अब दोस्तों एक बात और, अभी आपको ठोकने का है तो उसके लिए छोटी हथौड़ी काम नहीं करेगी, इसे मारेंगे आप तो मज़ा नहीं आएगा, उसके हथौड़ी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। दोस्तों मेरे पास बड़ा हथौड़ी है नहीं, तो मेरे पास एक बंगाल में हथौड़ी आया था, मैं इसको डालता हूँ, इससे ज़्यादा ठोकने वाला हूँ उसको, देखिए मैं इस तरह से डाल दूंगा ताकि अंदर घुस जाए, क्योंकि उनको टेम्परेरी यूज़ करने का है। ये देखिए हमने डाल दिया है और मैं इसे ठोक के निकालूंगा ऐसे से, जब ठोकेंगे आप एकदम स्ट्रेट रखें हथौड़ी को, ऐसा नहीं क्रॉस मारना है, क्रॉस मारेंगे तो आपका बैंड हो जाएगा, एकदम सीधा आराम से फटके दे सिखा रहा हूँ कि दोस्तों इसको ठोकेंगे, कभी कभी क्या होता है अगर आपको लगे ठोकने निकल नहीं रहा है ये, तो क्या करें रखे जमीन के ऊपर, कि क्या होता है ना हमारा जो लकड़ा होता है लकड़ा ये जम करता है, खैर हमारा जो टेबल है ये काफ़ी मोटा है, देखिए कितना मोटा दिख रहा है, इसका चलता है, लेकिन अगर टेबल कमज़ोर होगा तो इस तरह रखे ना ठोकेंगे, और हथौड़ी सीधा मारे। दोस्तों देखिए हमारा पेपर बिल्कुल ठीक है, मैं इतना ठोका लेकिन कहीं निकला नहीं है, ये आप ध्यान रखें कि पेपर सही होगा तो ही ठोकना है आपको, पेपर कड़क होगा नहीं ठोकना है, और हमेशा ठोकते समय एक बात का और ध्यान रखें कि हथौड़ी आपकी सीधी पड़ रही है, ऐसे नहीं क्रॉस पड़ जाएगी, क्रॉस पड़ जाएगी आपका स्टेटर बैंड हो जाएगा, फिर सब डालेंगे आप पंखा फ्री नहीं कर पाएंगे आप, ऐसा होगा तो इसके हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों देखिए निकल रहा है ये देखिए निकल गया, प्यार से मारे, ये देखिए निकल चुका है, अभी देखते हैं शॉर्टिंग हमारे पास है कि नहीं। आप दोस्तों देखिए शॉर्टिंग लेके आया मैं, लेकिन शॉर्टिंग थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे शॉर्टिंग ऐसा रखेंगे आप तो नीचे जा रहा है,
और आपको सॉफ्टिंग घुसाना पड़ेगा ये इतना, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि सॉफ्टिंग इतना पहले घुसा था उतना घुसाना है। मतलब कि थोड़ा सा फर्क है, ये देखिए आप नीचे देखिए इतना है, हल्का सा ये होल नीचे है, लेकिन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आशा करता हूँ कि हो जाना चाहिए। अब ट्राई करते हैं डाल के। अब दोस्तों देखिए आपको डालना है सॉफ्टिंग, रखना इस तरह से, और ये जो आपका होल है लीड वायर का इस तरह रखें। आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आपका यहाँ था ये काफ़ी कड़क है, इसको हल्का सा इधर रखें, इधर रखें, सॉफ्टिंग को एकदम सीधा पकड़ें, एकदम स्ट्रेट, और ठोकना आपको सीधा ही। उसको क्रॉस नहीं करना है, एकदम सीधा पकड़ना है, और दोस्तों देखते हैं कि हमारा कैसा बैठता है। अब दोस्तों देख लें, थोड़ा सा अंदर आएगा, जरा सा देखिए हमारा जरा सा और अंदर आना चाहिए, थोड़ा सा और अंदर लेते हैं। लेकिन ये दिक्कत ये है हमारा जो लीड वायर, देखिए लीड घुसने जगह है, थोड़ा पैक हो रहा है ये, लेकिन हल्का सा और अंदर लेते हैं जरा सा। अब देखते हैं क्या चाल है इसका। हाँ अभी देखिए अभी एकदम परफेक्ट है नीचे से। अब दोस्तों देखिए हमारे नीचे बराबर है, अभी ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा है कि चले कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी काम करें इसको अपने लेना अंदर लीड वायर को, तो इस तरफ से आप सभी को भी साथ में बांध लें और बांध के बाहर खींच लें। उससे काम करते हैं, पहले ऊपर से ले दें नीचे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इस तरह से ऊपर से गुजार दें नीचे बाहर आ जाएगा, इसको बांध के बाहर खींच लेंगे। देखिए बाहर आ गया ये, अभी इसको आपको इसे बांध देना है सभी लीड को एक साथ में, इस तरह से प्यार से इसको अंदर खींचना है, एक सहारा देना है बस। हाँ बाकी आप तगा तगा नहीं सकते, तगा तगाएँ आपको बाहर छूट जाएगा, ये हल्का सा इशारा देना है बस, ऐसा नहीं कि आपका ये बार उसको खींच लेगा, उसके लिए संभव नहीं इसे खींचना। थोड़ा सरक जाएगा तो अपने आप चला जाएगा, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत करता है, ये देखिए मैंने बोला थोड़ा सरक जाएगा तो अपने आप चला जाएगा, ये तरीका है बस, समझने वाली बात है। आप बोलेंगे एक बार इसको कैसे खींचेगा जबकि उसमें जान भी नहीं है, हमने कहा एक तरीका है बस, अभी से इस बार की क्या औकात है कि तीन बार बाहर खींच लेके आ जाए वो, लेकिन तरीका लगाया आपने और आ गया बाहर खींच के। ये देखिए अब प्लेट आपने डाल दिया है, दोस्तों सॉफ्टिंग कटा है, अगर सॉफ्टिंग कटा हुआ है तो इसका मतलब है कि बेरिंग गया ही है, तो ऐसा नहीं कि आपको सॉफ्टिंग साथ डाल दिए हैं और बेरिंग वगैरह डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, बेरिंग आपको डालना ही है। ये देखिए हमारा पुलर है और 1201 वाला, उसकी द्वारा इसको निकाल लेंगे हम। दोस्तों देखिए निकल गया हमारा बेरिंग, इसका बेरिंग पहले निकल चुका था इसमें अटका हुआ सॉफ्टिंग में, तो बेरिंग इसे निकले पहले ही, अभी आपको डालना है बेरिंग। हाँ दोस्तों देखिए हमारा बेरिंग है ये 6501 6502 दोनों में डाल देंगे, इस साइड दोनों साइड कर लेता हूँ। अगर आपको सॉफ्टिंग जिस साइड करना है उस साइड को बेरिंग डालना चाहिए, सील निकाल दें ग्रीस भर दे। दोस्तों देखिए हमने दोनों बेरिंग ग्रीस भर दिया है। दोस्तों बेरिंग कोई भी क्वालिटी का हुआ, हल्का हो या भारी हो, आप ग्रीस सब में भरना है, बस खाली एक बात का ध्यान रखना कि ग्रीस भर रहे हैं आप और ग्रीस में कोई धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर या फिर ग्रीस चाल वाला नहीं होना चाहिए, ग्रीस आपका अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। दोस्तों देखिए हमारा ग्रीस लगभग खत्म हो चुका अदा हो गया है, लेकिन थोड़ा भी कचरा नहीं इसके अंदर, और हमारा ग्रीस जो है SKF कंपनी ग्रीस है, मैं 40 वापरता नहीं हूँ, और फिर बेरिंग को ठोक दें इसके अंदर। दोस्तों देखिए हमने बेरिंग ठोक दिया है,
अभी आप थोड़ा साफ़ कर लें क्योंकि आपने खोला है और बाद में खुलेगा नहीं, फिर अंदर साफ़ कर दें कपड़े से पोंछ दें। हमेशा काम दोस्तों एकदम अच्छे से करें, अपने काम को पूरी तरह से 100% दें, हमेशा कोशिश करें। हाँ, सफ़ा हो गया ये। अभी दोस्तों देखिए, इस टाइप के पंखे में ये डालना बहुत ज़रूरी है कि आपको डालना ही है, गुम नहीं करना है। इसे गुम कर देंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा, तो इसको डाल दें। ये देखिए, इससे क्या होता है, हमारा जो बेयरिंग है जाके यहाँ रुक जाएगा और हमारा जो शाफ्टिंग है यानी स्टेटर है एकदम रोटर के सेंटर में रहेगा, इसलिए इसको डालना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो शाफ्टिंग है ऊपर नीचे होएगा भी तार बस। फिर दोस्तों जो साफ करें, देखिए तार बस है, मैं इसे साफ़ करता हूँ, हमेशा इसको साफ कर दें। दोस्तों देखिए एकदम चकाचक साफ हो चुका है ये। अभी दोस्तों अगर शाफ्टिंग कट जाता है, कभी कभी क्या होता है, जो इसमें रोटर की पत्ती होती है स्टार्टर की बाहर निकल जाती है, इसको देख लेना है कहीं बाहर निकला तो नहीं है। खैर दोस्तों हमारे बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी आपको लास्ट में पंखा पैक करने का है। पैक करने से पहले एक बार आप वायरिंग चेक कर लें कि आपने छोटा किया था, नहीं कोई वायर कट नहीं गया और बॉडी शॉट नहीं आ रहा है। दोस्तों देखिए हमारा बॉडी शॉट नहीं आ रहा है और हमारा वायरिंग बता रहा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों देखिए, इसमें कॉमन जो है हमारा वाइट जो है कॉमन है और रेड और जो ब्लू है ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ रेड पे ब्लू पे, एकदम लाइट हमारा डिम जा रहा है बाल। जैसे अपने लगा वाइट पे हमारा लाइट तेज ग्लो कर रहा है और ये देखिए वाइट और ब्लू में भी तेज चल रहा है। इसका मतलब है हमारा जो तीन वायर है इसमें से बोस जो है हमारा वाइट वाला है तीनों का। फिर दोस्तों इस तरह से रख लें और ये इसको दबा देना ऊपर से आपको। दोस्तों देखिए बैठ गया हमारा ये। और फिर दोस्तों देखिए, अगर आपने शाफ्टिंग सही प्रेस किया होगा तो आप इसको घुमाएंगे तो आपको जो स्टेटर है एकदम सेंटर में घूमेगा, कुछ होगा नहीं। दोस्तों हमारा देखो ठीक ठाक प्रेस है, कोई दिक्कत हो रही है, एकदम सही दिख रहा है। अभी सही दिख रहा है, क्या दिख रहा है तो फिटिंग करने बाद आना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, फिर डाल देना स्प्रिंग और ये हमारे वाशर डाल देना है। दोस्तों इसके अंदर छोटा स्प्रिंग नहीं डालना है आपको, ये स्प्रिंग रहता है ये डालना है। और साथ में अगर ऐसा वाला स्प्रिंग है वापस दे दो वाला तो आपको वाशर डालना बहुत ज़रूरी है, डाल देना इसका। और ये इसको बराबर सेंटर में ला के सेंटर में लाए और बिठा दें। एक बात और दोस्तों, अगर आपका जो शाफ्टिंग है फिर दोस्तों एकदम सेंटर में लाए। हाँ मैं ये बोल रहा था कि अगर आपका शाफ्टिंग जो है अगर आपने सही ठोका होगा यानी जो इसके जो ऊपर नीचे का जगह है ये सही रखा होगा तो आप देखिए आप बिठा रहे इसके अंदर। ये देखिए आपका शाफ्टिंग कितना घुसने वाला है। अगर आपका शाफ्टिंग ज़्यादा ऊपर रह गया होगा तो आप बिठाएंगे तो डायरेक्ट घुस जाएंगे। इससे मतलब हमारा जो शाफ्टिंग है जितना निशान दिख रहा है वो बाहर इतना घुसने वाला है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लाएँ सेंटर में। सेंटर कहाँ गया इसका? हाँ इधर है। इसको ये प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आपने शाफ्टिंग ठोकते समय सही ठोके तो एकदम परफेक्ट ठोका होगा तो आपको पंखा फिटिंग करने में कोई दिक्कत होगा नहीं, एकदम आराम से एकदम फटाक से फिटिंग हो जाएगा। ये तरीका है। अगर वही आपने शाफ्टिंग ठोकते समय बैंड कर दिया, टेढ़ा में ठोक दिया, क्रॉस हो गया, स्टेटर बैंड कर दिया आपने, तो फिर पंखा फिटिंग करते करते आपको पसीने आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मुझे पसीने आने वाले नहीं है। दोस्तों ये बोलते हमारा पसीना हमको नहीं आने वाला है क्योंकि हमने बिल्कुल शाफ्टिंग सीधा प्रेस किया है, मुझे पता है। दोस्तों नट को फुल टाइट करना है, एकदम फुल टाइट करें। दोस्तों देखिए हमने कोई फटका नहीं दिया, एकदम पंखा परफेक्ट फिटिंग हो चुका है, ना कोई फटका ना कोई डटका, एकदम रेडी है। फिर एक फटका दे रहे प्यार से, एकदम एक छोटा सा टप्पू। ये देखिए एक छोटा टप्पू दिया हमने, बड़ा टप्पू नहीं दिया, पंखा बिल्कुल फ्री एकदम फर्स्ट क्लास। अभी आपको क्या करने का है, इसको बाहर निकाल लें और ये हमारा कनेक्टर है और कैपेसिटर है, इसमें लगा दें। हाँ दोस्तों इसमें रेड और जो वो ब्लू है ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग है, हमारा वाइट जो है कॉमन है, हमने बताया पहले आपको। ऐसे कर दिया है हमारा जो रेड है आपको बता रहा पहले कि हमारा कॉमन वाइट है और जो ब्लू है ये स्टार्टिंग है, रेड जो है रनिंग है। एक बार आपको हम चला के कि हमारा पंखा चल के फिर आइए। हमने शाफ्टिंग बदली किया है और आपने देखा है। दोस्तों मैं लगा रहा हूँ स्विच में,
दूसरे देखिए हमारा जी सीरीज है, 200 वाट की सीरीज है, इस तरह से पकड़ लें आराम से। हाँ दोस्तों देखिए एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं है और आपके सामने में फिटिंग किया, एक टाइम में फिटिंग हो गया, ना कोई ठोक था कुछ भी नहीं, एकदम प्यार फिटिंग हो गया। इस तरह से कभी आपका सब्जी खराब हो जाए तो सब्जी मिल सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हर दिन लेके आते रहता हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।